हाई वेरी वॉन वेलकम टू द चैनल एंड दिस इज योर सुपर एजुकेटर शुप्रा मिश्रा और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर जहाँ पर हम आपकी मदद करने वाले हैं क्लास ट्वेल्व के बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए अगर आप भी क्लास ट्वेल्व के अंदर नाइन्टी एट परसेंट लेकर आना चाहते हैं आपका भी एम है कि मुझे भी सब्जेक्ट्स में हंड्रेड ऑन हंड्रेड लेकर आने हैं देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि हम और आपका हम दोनों का एम जो है वो यहाँ पर आकर अलाइन हो रहा है सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली हूँ ये समझने के लिए कि जुलाई आपके लिए क्यों एक क्रिटिकल मंथ है और आपको अभी से क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपके लिए एक यू नो स्ट्रैटेजी चॉकआउट करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप अभी से पढ़कर भी 99% 98% 100% अपने सब्जेक्ट्स uh, के अंदर स्कोर कर सकते हैं सो so, इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा देखिए अगर हम क्लास ट्वेल्थ की बात करते हैं तो क्लास ट्वेल्थ का सेशन काफ़ी जल्दी शुरू हो जाता है मतलब अप्रैल के अंदर हमारा सेशन शुरू हो जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम अप्रैल से ही पढ़ें आपने देखा होगा कि इस चैनल पे भी हम लोग अप्रैल से ही पढ़ाना शुरू कर चुके थे बट क्या होता है ना कि आप लोग को कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार अभी तो मेरे पास खूब टाइम है अभी पढ़ने का क्या ज़रूरत है अप्रैल में ही क्यों पढ़ना है मे में पढ़ लेंगे जून में पढ़ लेंगे इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये फील कर रहे होते हैं कि यार इतना समय है मेरे पास में कि मैं आराम से हो सकता है लास्ट के अंदर भी पढ़ लूँ नाउ दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश दिस इज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट ऑल द स्ट्रीम हम बहुत बार प्रोक्रेसिनेट करके चीज़ों को कल पे टालते हैं अब ये कल पे टालने के चक्कर में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जो सबसे फ्री होने वाला था आपकी समर वेकेशन जो हैं वो जा चुकी हैं जुलाई शुरू हो चुका है आज जुलाई का पहला मंडे है तो सारे के सारे स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं और अब से जो है पढ़ाई करना स्कूल के अंदर और आपके आ, आ, आप आपके खुद की सेल्फ स्टडी हो गई एन अकेडमी के साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो वो हो जाएगी शुरू आपके लिए हो जाएगा जरूरी दैट मीन्स अब जो है आपके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने वाला है एक तरफ आपको स्कूल में पढ़ना है एक तरफ आपको आपके क्लासेस कंप्लीट करने हैं आपको सेल्फ स्टडी भी करना है इसके साथ में आपको एम करना है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपके हाफ ए भी लग रहे हैं सितंबर के अंदर मोस्ट स्कूल्स में हाफ ए लगते हैं ऑगस्ट एंड से शुरू होने वाले होते हैं इसके बाद में आपको एक महीना मुश्किल से मिलने वाला है नवम्बर दिसंबर के अंदर आपके प्री बोर्ड भी लगने वाले हैं जनवरी आपका पूरा का पूरा फेयरवेल प्रैक्टिकल्स में निकल जाना है प्रैक्टिकल्स वाइवाज में निकल जाएगा और फेबर से पिछले आ, पिछले साल की बात अगर मैं करूं आपके जस्ट इमीडिएट सीनियर्स की बात करूं तो फेब्रवरी से आपके एग्जाम लग जाएंगे इंग्लिश का पेपर ही आप देख लीजिए चौबीस फेबर को लग गया था ठीक है तो आपके पास गिनती के महीने कितने बचे छः छह महीने आपके पास में बचे हुए हैं और आपके पास में कोई महीने नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट बोर्ड जो है वो जनवरी में हमारे बोर्ड के प्रेपरेशन शुरू हो गए हैं आपका अभी तक मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल के लिए तैयार किया जा रहा है वाइवा के लिए तैयार किया जा रहा है आपको इंटरनली मार्क्स दिए जा रहे हैं बट जनवरी में आपके एक्सटर्नल जाने लग जाएंगे आपके प्रैक्टिकल फाइल्स देखने लग जाएंगे आपके वाइवा शुरू हो जाएंगे तो बेसिकली आपका बोर्ड वहां से शुरू हो जाएगा ठीक है तो उसमें तो हम बिल्कुल प्रेपरेशन के एंगल से कुछ नहीं कर सकते हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं कि ठीक है मेरे को अभी अपना फाइनल टच देना स्टडीज को मेरे को सैम्पल पेपर्स लगाने हैं मेरे को इंपॉर्टेंट नोट्स वापस से देखने हैं मुझे रिविजन करना है तो जनवरी उसमें जाता है तो मेरे पास गिनती के छः महीने जो है वो अब रह गए हैं और उन गिनती के छः महीने में जुलाई मेरे लिए क्रूशल की होने वाला है क्योंकि जुलाई जो है वो अभी तक अगर मैंने नहीं पढ़ा अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपने पूरा समर वेकेशन वेस्ट कर दिया है तो जुलाई भी आप वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर आपने जुलाई भी वेस्ट कर दिया तो अभी ये जुलाई देखते देखते क्या होता है कि इंसान के लिए ना हम दिलाए में आ जाते हैं बहुत जल्दी हमें ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम तो वेस्ट हो ही गया अब जुलाई में पढ़ के मैंने क्या कर लेना है अगस्त से देखेंगे सितंबर से देखेंगे और ऐसे चलते चलते ना सारे महीने वेस्ट होने लग जाते हैं अब उस पॉइंट तक आ जाते हो जहां पे आपको पता है कल मेरा पेपर है परसों मेरा पेपर है और अब मेरे को आराम से पूरा आप टू तो पूरा एन ऑल नाइटर और उसके बाद में पंद्रह पंद्रह चैप्टर्स निकाल लें और उसका रिजल्ट क्या आता है आपको पता है मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ जाते हैं बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि यार एक नाथ पढ़ के मैंने 65 ला ली अगर मैं ना पंद्रह दिन पढ़ लेता एक हफ्ते पढ़ लेता तो क्या हो जाता पर अब आप कुछ कर नहीं सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मैं पंद्रह दिन पढ़ लेता एक हफ्ता पढ़ लेता या क्या हो जाता अब आप कुछ नहीं कर सकते अभी हाव आपके पास में सारी शक्तियां अभी आपके पास में सब कुछ है आप अगर एक राइट right डिसीजन अभी ले लेते हो तो फिर आपको आगे कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है मैं आपको बताती हूं कि एग्जैक्टली exactly जुलाई आपके लिए क्रूशल क्यों होगा एंड देन आई चॉक आउट द दर स्ट्रैटेजी फॉर यू देखो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूं आपके पूरे के पूरे साल से आपका पूरा साल देखिए सबसे पहले आ जाते हैं हम जुलाई में जुलाई के अंदर क्या होता है जुलाई के अंदर आपके आ, स्कूल जो है वो खुलते हैं आपके स्कूल खुलेंगे स्कूल जो है अपने सिलेबस को लेकर दौड़ने लगेंगे इसके साथ में बहुत सारे जगह पे आपके जुलाई के अंदर यूटी स्पीटीज भी हो रहे होते हैं जिन बच्चों के यूटी स्पीटीज जुलाई में नहीं होते हैं वो अगस्त में होते हैं अच्छा बाय द वे अगस्त के अंदर बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज भी हो रहे होते हैं बहुत सारे सेलिब्रेशन भी होते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे अगर मान लीजिए परेड में पार्टिसिपेट करते हैं या फिफ्टीन ऑगस्ट के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो शुरुआत के पाँच सात दिन वहां पर भी जाते हैं तो अगस्त के अंदर आपका ये चल रहा होता है एंड इसके साथ में आपके सेलिब्रेशन चल रहे होते हैं यूटी पी चलेंगे अभी भी सिलेबस भगवाया जा रहा है सितंबर आपका पूरा का पूरा आपके मिड जो आपके मिड टर्म्स होते हैं उनके लिए जाएगा आपके हाफ रिलीज के लिए जाएगा आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स आएंगे बहुत सब्जेक्ट्स के अंदर तो टीचर्स इतना तेज भगाते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो पूरा का पूरा सिलेबस आ जाता है तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड आपके मिड टर्म का होगा आप जैसे थोड़ा सा यहाँ से सांस लोगे हैं आ गए आप अक्टूबर में अक्टूबर नवम्बर वाला मंथ जो है ये आपका पूरा फेस्टिविटीज से भरा हुआ है अक्टूबर नवंबर के अंदर आपके पास में आपके ब्रेक्स uh, लगते हैं ठीक है आपके ब्रेक्स लग गए मिड टर्म के बाद में फेस्टिविटीज हो गया इसके साथ साथ में आपको अक्टूबर के अंदर तो खास करके प्रेपरेशन आपकी शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रेक्स के बाद में वापस से आपको सिलेबस खिंचवाया जाएगा किसके लिए खिंचवाया जाएगा नवंबर में लगने वाले प्री के लिए पहले क्या होता था स्कूल एक ही प्री बोर्ड करते थे आजकल बहुत सारे स्कूल कंपेटेटिव हो गए हैं इसी वजह से वो एक दो तीन न जाने कितने प्री बोर्ड करवाते हैं और वो नवंबर से ही टारगेट लेकर चलते हैं कि प्री बोर्ड जो है वो शुरू हो जाने चाहिए तो अक्टूबर के अंदर आपने आपके आपके मिड टर्म्स के बाद वाले ब्रेक हो गया आपने थोड़ा सा सिलेबस आपका खींचा नवंबर के अंदर आपके प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं दिसंबर के अंदर क्या चल रहा है दिसंबर के अंदर आपके नेक्स्ट प्री बोर्ड चल रहे हैं इसके साथ में आपका विंटर ब्रेक लग रहा है ठीक है अब यहां पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अभी तक भी अगर आपने प्रोजेक्ट फाइल वैसे आपसे यही मांग ली जाएगी बट अगर आपसे अभी भी आपने कुछ नहीं किया है तो दिसंबर के अंदर आपको आपकी फाइनल प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आपको दे देनी होती है तो वो बच्चे जो लास्ट में जागते हैं वो बैक बेंचर जो लास्ट में जागेंगे उन्हें दिसंबर में तो हंड्रेड परसेंट जाके अपनी प्रोजेक्ट फाइल देनी ही पड़ेगी ठीक है तो प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से लगेंगे प्रैक्टिकल और वाइवा की प्रिपरेशन के लिए पूरी तरीके से लगेंगे और प्री बोर्ड जो समय खाएंगे वो अलग है ठीक है इसके बाद में आता है आपका जनवरी जनवरी के अंदर क्या होने वाला है आपके एक्चुअल बोर्ड के प्रैक्टिकल लगने वाले हैं आपका वाइवा लगने वाला है इसके साथ साथ में अगर आपके प्री बोझ अच्छे नहीं गए हैं तो जनवरी में आपके प्री बोझ भी लगते हैं बहुत सारे स्कूल्स आपके एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवाते हैं ठीक है जनवरी आपका पूरा किस चीज़ में चला गया प्रैक्टिकल्स वाइवास बोझ अच्छा प्री बोझ के अंदर और इसके साथ साथ में अगर फेयरवेल आपका जनवरी में फॉलो करता है तो जनवरी में आपका फेयरवेल एक्टिविटी भी होगा और ये आ जाता है इसके बाद में आपका फेब्रवरी मार्च जिसके अंदर आपके लगने वाले हैं पेपर अब इसके साथ में कमाल की बात यह है कि आप में से हर एक बच्चा आज के इस दिन पे कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दे ही रहा होगा क्योंकि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप कॉलेज हम इमेजिन कर ही नहीं सकते अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे होंगे चाहे वो आपके लिए जेई हो ठीक है आपका नीट अगर आप दे रहे हो आप सीयू -E दे रहे हो आप क्लैट दे रहे हो आप ये कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो इनफैक्ट हो सकता है आप एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई ना कोई एग्जाम लग रहा है यहां पे और वो भी उनका टाइमलाइन भी यहां पर क्लैश करता है ठीक है दिसंबर के अंदर आपका क्लैट लग रहा है तो वो भी यहां पर जो है वो क्लैश हो रहा होता है अब यहां पर आपको उनकी भी प्रेपरेशन करनी है क्योंकि इनके जज्बात या तो यहीं पे आपके पेपर लग रहे हैं या फिर इनके जज्बात आपके पेपर लगने वाले हैं आपके बोर्ड के जज्बात आपका एंट्रेंस लगने वाला है तो आप देख लीजिए कि यहां से अगर हम देखते हैं तो यहां से मेरे ऊपर भयंकर प्रेशर है नवंबर से मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे अभी मेरे प्री बोझ और बोझ दोनों संभाल लें मेरे प्रैक्टिकल संभाल लें इसके ऊपर से मेरे को अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रही हूं उनकी प्रेपरेशन मैंने पहले से नहीं करी है तो मुझे मेरी प्रेपरेशन एंट्रेंस एग्जाम की जमा नहीं है क्योंकि या तो वो एंट्रेंस एग्जाम यहां लग जाएंगे या फिर आगे चल के लगने वाले हैं और मुझे उनको प्रिपेयर करने का समय नहीं मिलेगा ठीक है तो ये वाले महीने जो है इनको तो आप भूल ही जाइए ये वाले महीने तो आपके गए अब मेरे पास ये वाले महीने बच रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये वाले महीने मेरे पास बच रहे हैं अब इन महीनों के अंदर मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए अब आपको समझ में आ गया जुलाई क्यों इंपॉर्टेंट है अगर मैंने एक महीना भी यहां से कम कर दिया दस दिन भी कहीं से भी कम कर दिए तो मैं कितना ज्यादा यहां पर पछताने वाली हूं ये आपको क्लियर हो गया इसकी वजह से मैं जुलाई के साथ में अभी बिल्कुल भी आ, ऐसा ना खेल नहीं सकती हूँ अब मेरे पास ये जो चार महीने बचे हुए हैं अगर मैं यही एटीट्यूड रखती हूँ जो एटीट्यूड मैंने अभी अप्रैल से लेकर जून तक रखा है तो फिर ये भी आप ऐसे 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 चले जाएंगे तो मेरे को इनको संभालना है तो इनको संभालने के लिए अभी मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मुझे क्या करना चाहिए अभी इनको संभालने के लिए सबसे अभी मेरे पास टाइम है तो सबसे पहले मेरे को किस चीज पे फोकस करना है मुझे मेरे बाइबल पे फोकस करना है एनसीईआरटी मुझे पता है मेरे स्कूल के अंदर अभी एनसीईआरटी चल रही है ठीक है एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है सिलेबस कवर हो रहा है अन अकेडमी पर भी एनसीईआरटी से सारी चीजें पढ़ाते हैं एनसीईआरटी आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है क्लास ट्वेल्थ में पूछी जाती है तो मुझे पता है कि मैं यहाँ पर अपने एनसीईआरटी अपने बेस बिल्डिंग पे फोकस करूंगी ठीक है तो एनसीईआरटी का बेस बिल्डिंग पे मैं फोकस करने वाली हूँ जुलाई से मैंने यहाँ पर क्या करना है कोशिश करनी है कि एनसीईआरटी से जितने ज्यादा चैप्टर्स हो सकते हैं मैंने चैप्टर्स पर चैप्टर्स कंप्लीट कर दें जितने ज्यादा चैप्टर्स में लगा सकती हूँ सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दें ठीक है इसके साथ में अभी मैंने यहां पर चैप्टर्स कंप्लीट कर दिया अच्छा खासा सिलेबस मैं यहां पर कंप्लीट कर रही हूं मेरे को यहां पर ध्यान रखना है कि मैं अपनी डाउट नोटबुक मेंटेन करती हुई चल रही हूं मैंने अपनी डाउट जर्नल जो है वो मेंटेन करके रख रखी है यहां पर मतलब अगर मैं यहां पर चैप्टर्स पे चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूं मेरे को कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो मैं मेरी डाउट जर्नल के अंदर सारी चीजें मेंशन करके रख रह रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टीचर्स रेडिली अवेलेबल है मेरे स्कूल टीचर्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं मेरे पास में पूरा का पूरा संभव बैच भी है सारे के सारे संभव सीरीज सारे के सारे लोग सारे टीचर्स यूट्यूब पे इसके साथ साथ में एना अकेडमी पर सब अवेलेबल है सारे डाउट क्लियरिंग सेशन लग रहे हैं हम तो खैर एग्जाम के एक दिन पहले तक अवेलेबल रहते हैं बट फिर भी है ना तो अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं मेरे पास जितने भी डाउट्स आ रहे हैं मैं सारे डाउट्स लिख सकती हूँ और अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकती हूँ अभी इन चीज़ों का समय है मेरे पास ठीक है भागना नहीं है अभी इनका समय है मेरे पास तो मैंने एनसीआरटी से बेस बिल्डिंग पे फोकस करनी है अपने डाउट्स को मेंटेन करके उनको क्लियर करवाने पे मैंने फोकस करना है इसके बाद में मेरी तीसरी चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो क्या है मेरा नया पैटर्न है हर साल सीबीएसई पैटर्न चेंज करता है कमाल की बात यह है कि सीबीएसई यूजुअली चेंज ऑफ पैटर्न के बारे में हमें सितंबर में बताता है पर इस साल वो पहले ही हमें इस चीज के बारे में बता चुके हैं तो नए पैटर्न वाले जो क्वेश्चन है मैंने वो प्रैक्टिस करने हैं मेरे नए पैटर्न वाले क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करने हैं सॉरी ठीक है तो मैंने अभी यहाँ पर क्या कर दिया है मैंने यहाँ पर अपना एनसीआर से बेस बिल्डिंग शुरू कर दिया है जितने चैप्टर्स मैं निकाल सकती हूँ निकाल दिए और खास करके अभी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास उतना प्रेशर नहीं है मैंने अपना डाउट जो है वो डाउट धीरे धीरे बना के सारे के सारे पूछने शुरू कर दिए हैं और नए पैटर्न के इन इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर्स मैं करे जा रही हूँ उनके नए क्वेश्चंस में क्या करे जा रही हूँ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करी जा रही हूँ अब इससे क्या होगा इससे मेरा वो चैप्टर जो है वो फिक्स हो जाएगा मेरा वो चैप्टर अब फिक्स हो जाने वाला है मेरे को अभी उसका कोई टेंशन नहीं है इवन इफ मेरे पास मिड टर्म में मेरे को एक रात पहले बस उसका वन पेज नोट मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा ठीक है इसके साथ में अब मैं क्या करने वाली हूँ यहीं से वीकली रिविजन हमेशा याद रखना कभी कभी क्या होता है जोश के अंदर हम होश खो बैठते हैं ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी मेरे को पढ़ना है दस चैप्टर करने हैं पंद्रह चैप्टर निकालने हैं तो हम चैप्टर आगे आगे पढ़ते रहते हैं पीछे के चैप्टर सारे के सारे भूलते रहते हैं वीकली रिविजन एक ऐसी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आप सैटरडे संडे बैठिए सैटरडे संडे बैठकर आपने जितना भी जो भी पढ़ा है पूरे के पूरे वीक में आप उसे रिवाइज कीजिए एक ऐसी नोटबुक मेंटेन कीजिए जिसके अंदर आपने जो भी पढ़ा है उसे बैठकर आप पूरा का पूरा लिख लें बिना देखे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक चैप्टर पढ़ लिया वो चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो गया आपको सारी अंडरस्टैंडिंग है उस चैप्टर की अगर मान लीजिए उसे आपको किसी को पढ़ाना होता या फिर आपसे उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि यह चैप्टर मुझे एक्सप्लेन कर दो तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं वैसे ही पूरा का पूरा नोटबुक में अपने शब्दों में लिख दो इसे कहते हैं। ये और अगर आपको चैप्टर याद नहीं आ रहा तो आपको आपकी सच्चाई भी पता चल जाएगी कि ठीक है मुझे चैप्टर जो है याद नहीं आ रहा मुझे इस चैप्टर को फिर से करना चाहिए ठीक है तो वो मेरे को याद आ रहा है तो अभी यहां पर मैंने इस चीज पे फोकस कर लिया अच्छा इसके साथ में अभी क्योंकि अगेन जैसे मैं बोले जा रही हूँ जुलाई है मेरे पास टाइम है तो अभी मैं किस चीज़ पे फोकस करूंगी साइड के अंदर जब भी मुझे ब्रेक लेने होंगे जब भी मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है यार मैं एन टी पढ़ पढ़ के थक गई हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए तो उस टाइम पर मैं मेरे प्रोजेक्ट वर्क को भी कम्प्लीट करूंगे अब बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रोजेक्ट वर्क को हो सकता है स्मार्ट बन के एकदम ऑलरेडी समर वेकेशन में कम्प्लीट कर चुके हैं जो बच्चे समर वेकेशन में कम्प्लीट कर चुके हैं वो अपने प्रैक्टिकल वर्क पर ध्यान देंगे ठीक है वाईवाज हो गए वाईवाज के क्वेश्चंस हो गए अपनी मम्मी को कुछ क्वेश्चंस बना के दे दीजिए वो आपसे सवाल पूछ लेंगे नहीं तो अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट नहीं किया थोड़ा थोड़ा करके उसे कंप्लीट कर लो लास्ट डेट तक डेडलाइन तक उसे बचाने का कोई मतलब नहीं है ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं कर सकती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है अगर मैंने जुलाई भी बर्बाद कर दिया तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी जब मैं आपसे अगस्त के अंदर मिलूंगी सेप्टेम्बर के अंदर मिलूंगी तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें हट जाएगी हावेवर एनसीआर का बेस बिल्डिंग की एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम नवंबर में भी जाएंगे तो मैं बोलती रहूंगी आपको बट बाकी सारी चीज़ों का शायद उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं आपके सामने यूटीज है पी है हाफ एलिज है अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये पढ़ाई आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको फाइनल्स देने हैं अब इस पढ़ाई के प्रोसेस के अंदर आपको आपका यूटी निकल रहा है पीटी निकल रहा है आपका इसके अंदर लगे हाथ मिड टर्म्स भी निकल रहा है तो अच्छी बात है आपको फोकस ये करना है कि मैं पढ़ाई ऐसी कर रही हूँ कि कल अगर मेरा बोर्ड लग जाए तो मैं आराम से उसको फेस कर सकूँ ऐसा नहीं कि अभी तो यू ही हैं अभी तो पी ही हैं अभी तो हाफ एडी करना है नहीं पढ़ाई ऐसी करनी है कि कल फाइनल देना है और सिलेबस उतना कवर करना है जितना मेरे को कराया गया और अगर मेरे को दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगी क्योंकि मैं तीन महीने ऑलरेडी बर्बाद करके आ चुकी हूं ठीक है इस एनर्जी के साथ में आपको पढ़ाई करनी है और ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हैं चाहे आप जेई दे, 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 दे रहे हैं नीट दे रहे हैं सीयूईटी दे रहे हैं क्लैट दे रहे हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम कंपेटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सैटरडे संडे के अंदर आप उनको भी शामिल कीजिए हर दिन अगर एक से दो घंटा तीन घंटा चार घंटा हो पा रहा है क्योंकि कुछ सिलेबस सिमिलर है तो बहुत अच्छी बात है जो चीज़ें डिफरेंट है आपको जिनके मॉक पेपर्स अलग से लगाने हैं उनको जरूर वीक में शामिल कीजिए क्योंकि एक पॉइंट पे आके आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम की कॉलेज दिलाने वाले हैं तो आपको उन पर भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा अब देखो यार सी नीट सबके लिए हम लोग आपकी मदद करने को तैयार तो है पर अगर आपको जेई नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स को ऑफलाइन बैचेस के अंदर क्रैक करना है तो डोंट वरी वी हैव गॉट यू कवर्ड क्योंकि अन अकेडमी आ चुका है अब आपके शहर और हम आते जा रहे हैं बढ़ते एकदम बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश के अंदर एक एक शहर के अंदर हम आते जा रहे हैं तो आप अपनी आई आई टी जेई नीट यूजी की प्रेपरेशन अन अकेडमी सेंटर्स पे जाके कर सकते हो आपके पास में 25 परसेंट ऑफ आपको यहां पर मिल रहा है सारे के सारे कोर्सेज पे सारे बैचेस अब जो है वो शुरू होने वाले हैं ऑलरेडी 40 प्लस अन अकेडमी सेंटर्स आ चुके हैं आपको नीचे एक यू नो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाना है जाकर क्लिक करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जानी है आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं तो आप यहां पर बेस्ट ऑफलाइन प्राइसेस के अंदर अन अकेडमी ऑफलाइन का मजा ले सकते हैं आपके शहर हम बहुत ही जल्द आने वाले हैं अगर अभी तक वहां पर अन अकेडमी सेंटर नहीं है तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट और बैचेस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं आई आई टी नीट यू के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम भी साथ में हम करने वाले हैं ट्वेल्थ के और उसकी शुरुआत भी अभी से करनी है ठीक है तो मेक श्योर sure कि आप जरूर लिंक पे क्लिक करें जो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इसके साथ में अगर आप यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का पूरा का पूरा प्रेपरेशन करना चाहते हैं और इसी स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहते हैं क्योंकि जो ये पूरा आ, मैंने आपको पूरा टाइम फ्रेम बताया इसी टाइम फ्रेम को हम भी फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे अन अकेडमी प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकेडमी प्लस आपको फुल फ्रीडम देता है या तो पूरी कैटेगरी या आप अपनी खुद की स्ट्रीम या सिर्फ मेरा सब्जेक्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हो आपने बस कोड लगाना है एस डी सी एटीन जिसकी मदद से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है So, आज का ये वीडियो एक वेकअप कॉल है सारे के सारे बच्चों के लिए ताकि तुरंत से जाकर आप पढ़ना शुरू करो अपना सिलेबस करना कंप्लीट करो और जुलाई को अपना महीना बनाओ जुलाई को वेस्ट ना करो जैसे आपने जून को मे को अप्रैल को किया आई होप दिस वीडियो हेल्स एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब